से यही कहना चाहता हूं कि इनका एक ही जवाब है और वो है नरेंद्र मोदी। आने वाली 18 तारीख को सुबह से लाइन में लग जाना और लाइन में लग के एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना। संगीत सोम का विवादित वीडियो हुआ वायरल, बहुत ही अमर्यादित बातों से भरा है वीडियो। चुनाव आयोग को लेना चाहिए तुरंत संज्ञान। बीजेपी के विधायक संगीत सोम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बातें कहकर मोदी और भाजपा के लिए वोट मांगे। चुनाव आयोग विवादित बयानों पर जितना सख्त हो रहा है, नेता उतने ही बेलगाम होते जा रहे हैं। अगर बजरंग बली के बारे में बताया है तो अली के बारे में भी बताते जाओ। ये लोग कहते हैं पैगंबर साहब, अरे ये वही पैगंबर साहब है जिन्होंने अपने से 20 साल की छोटी लड़की से शादी करने का काम किया था। जिन्होंने उसके खमीजा या क्या नाम था उसके मरने के बाद 10 शादी फिर की थी, ये वो पैगंबर साहब है, ये वो पैगंबर साहब है कि जिन्होंने दर्जनों बच्चे पैदा करने का काम किया था, 10 शादी करके दर्जनों बच्चे पैदा करने का काम किया था। और अली आप जानते हैं उन्हीं पैगंबर का भतीजा है, आप भी जानते हैं उन्हीं पैगंबर का भतीजा और दामाद भी है उनका। आप देखिए उनका दामाद भी है, भतीजा भी है, दामाद भी है। हम सोच भी नहीं सकते कि हो कैसे सकता है। अरे बजरंग बली तो जिस युद्ध में चले गए वो युद्ध जीत गए उनके माँ के इशारे पर, उनके आशीर्वाद से। और लेकिन अली तो युद्ध में लड़ते लड़ते मारे गए, अली की पहचान है। आप कैसी बात करते हैं भाई, आप अली की बात करते हैं। मैं अली की बात बताना अगर आपको चाहूंगा तो घंटा भर बोलता रहूंगा। चुनाव का टाइम है, खदीजा के मरने के बाद मोहम्मद पैगंबर ने क्या किया, जिसके ये पूर्वज हैं, जिसे ये अपना भगवान मानते हैं, जिसे अल्लाह मानते हैं, जिसे आजम खान जैसे अल्लाह मानते हैं, ऐसे पैगंबर का इतिहास यही है कि अपने से 25 साल अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करने का काम किया। ये वो पैगंबर है जिन्होंने 10-10 शादी करके दर्जनों बच्चे पैदा करने का काम किया। और ये वो पैगंबर है, कुरान में आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, लिखा है कि जो अगर कोई मुसलमान धर्म कबूल ना करे उसे तलवार की नोक पर कराना चाहिए। ये ऐसे पैगंबर के परिवार के लोग हैं। मैं आपके एक बीच में एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्तों, जिन लोगों ने आज बजरंग बली के बारे में टिप्पणी की है उनका सर्वनाश लिखा गया है। कोई रोक नहीं सकता मेरे बजरंग बली, तो वो बली है दोस्तों, मेरे बजरंग बली तो वो बली है कि दुश्मनों की नली तोड़ दे और सर्वनाश कर देते हैं। और अली और बजरंग बली की कभी तुलना हो नहीं सकती। आजम खान ने कहा कि अली और बजरंग बली एक हो गए, अरे हो नहीं सकते। ये दलित भाई बजरंग बली के पूर्वज वंशज हैं, वो अली के नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते दोस्तों। चाहता था और आपसे यही कहना चाहता हूं कि इनका एक ही जवाब है और वो है नरेंद्र मोदी। आने वाली 18 तारीख को सुबह से लाइन में लग जाना और लाइन में लग के एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना। दूसरों को पाठ पढ़ाने वाली सुषमा स्वराज अब कहां है जब उनकी ही पार्टी के नेता मर्यादा की सारी हदें पार कर रहे हैं। आगे आए और करे कार्यवाही संगीत सोम जैसे बेलगाम नेताओं पर। अब ये देखना होगा कि इतनी अमर्यादित भाषा बोलने वाले संगीत सोम पर चुनाव आयोग कितने दिन का बैन लगाता है।